कस्टमर आए उसको पहले ये स्वाइप मशीन अंदर फिट कर देती है। अरे मैडम आप ही हो क्या बाइक टैक्सी से? हाँ जी सर मैं ही हूँ। अरे वाह आजकल लड़कियाँ भी बाइक टैक्सी चलाने लगी। मजबूरी है सर। आइए बैठिए ओटीपी बता दीजिए अपना। 1234। बस यहीं पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपके साथ राइडिंग में तो बड़ा मजा आया। एक काम करो ना मैडम, अरे 100 की जगह 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लो और मुझे आधे घंटे की और राइडिंग करा दो ना। इस बुड्ढे को क्या पता है, 500 की जगह 5000 रुपये ले चुकी हूँ इससे। जब मैसेज देखेगा ना तब पता चलेगा, सारी ठरक निकल जाएगी। अरे नहीं नहीं मुझे ना और भी जगह जाना है, आप प्लीज़ पैसे दे दीजिए मुझे जल्दी है। अच्छा पेमेंट तो मैं ऑनलाइन कर देता मैडम, जरा क्यू आर कोड दिखाइए। ये रहा मेरा क्यू आर कोड। मैडम आप अपना नंबर दे दो ना, फिर मुझे नेक्स्ट राइड पे जाना होगा तो आपको कॉल कर लूँगा। मैं चलती हूँ। ये भी चली गई, ये कॉल किसका आ गया? अरे बेटा हेलो। पापा मैंने तुम्हें कार दिया हुआ है, इसका मतलब थोड़ी आयाश करोगे, ये 5000 रुपए कहाँ कटवा दिए तुमने? अरे बेटा मैंने 5000 रुपए कहीं नहीं निकाले बेटा, ऐसा नहीं बोल। पर जो मेरे पास मैसेज आया है कि 5000 रुपए कटे हैं वाईफाई के थ्रू। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता बेटा, मैंने तो कहीं कार्ड स्वाइप ही नहीं किया, कार्ड तो अभी भी मेरे जेब में ही है। सच बोल रहे हो? हाँ बेटा। ठीक है घर आओ मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। अभी आ रहा हूँ। ऐसा कैसे? लोकेशन तो यही लग रही है। मैम आप ही आई हो बाइक टैक्सी से? जी सर। अच्छा चलो ठीक है चलो। सर आपके पास कैश तो होगा ना? एक मिनट मैम चेक कर लेता हूँ। जी मैम कैश है। थैंक गॉड इसके पास क्रेडिट कार्ड भी है फिर। हाँ सर बैठ जाइए। अरे मैडम ये आपकी सीट खराब हो रही है क्या? ये सीट तो पूरी कट रही है और ये इतनी हार्ड क्यों हो रही है? हाँ सर थोड़ी सी खराब हो रही है। अरे मैडम इतने पैसे कमाती हो इसको चला के, सीट तो बदलवा लो कम से कम। करवा लूंगी सर। चलो ओटीपी सर। 3489। ओके सर। बस मैडम यहीं सोसाइटी गेट पे रोक दो। बस। भैया पैसे। किस चीज के पैसे मैडम, उल्टा आप मुझे पैसे दोगी? क्या बकवास कर रहे हो आप, राइड आपने बुक करी पैसे मुझसे ही मांग रहे हो? अरे मैडम राइड ही तो बुक करी है मैंने, क्रेडिट कार्ड तो आपने मेरा खाली कराया 5000 रुपए से, वो कौन पैसे देगा? तो कौन सा क्रेडिट कार्ड, मुझे नहीं पता, मैं क्रेडिट कार्ड जानती भी नहीं हूँ क्या होता है। अच्छा नहीं जानती आप, तो एक काम करो अपना फोन दिखाओ जरा। भैया ऐसे किसी को भी फोन दिखा दूँ क्या? मैं नहीं दिखा रही फोन ऑन। छोड़ो आपके तो मन में ही नहीं है पैसा देना, मैं तो निकलती हूँ यहाँ से। अरे एक मिनट रुको, कहाँ जा रही है, स्कूटी बंद करो, ये दिखा फोन। भैया आप ऐसे किसी का फोन नहीं ले सकते। एक मिनट रुको अभी पता लग जाएगी ना, ये क्या है, ये 5000 रुपए कहाँ से आए हैं? ये पैसे मैंने अपनी बहन से मंगवाए हैं। बहन से मंगवाए हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड नंबर तो मेरा दिखा रहा है, जरा चेक करना 3929। मुझे नहीं पता कैसे आ रहे नंबर। तुम क्या मुझे आम इंसान समझ रही हो? पता है कौन हूँ मैं, लेना बैंक के अंदर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एनालिस्ट हूँ। और हाँ जो तुमने पीछे मशीन छुपा रखी है ना, मुझे सब पता है। लेकिन भैया आपको कैसे पता? थोड़ी देर पहले जिस आदमी के तुमने पैसे निकाले हैं ना, वो मेरा बाप था। दिमाग खराब हो गया यार, कहाँ कट गए पैसे? आ गए आप? हाँ आ गया। अब बताइए क्या हुआ था और कहाँ गए थे? अरे बेटा मेरी बात का भरोसा कर, मैं ऑफिस से सीधा घर ही आ रहा हूँ समझा, बीच में कहीं इधर उधर नहीं गया। क्या किस चीज से आए हो? अरे स्कूटी से। स्कूटी से आए हो? तो जो स्कूटी चला रहा था वो कैसा दिखता था, चोर लगता था वो? अरे चोर नहीं लगता था, वो तो बहुत अच्छी एक लड़की थी। लड़की? हाँ। लड़की स्कूटी चला रही थी? हाँ हाँ। कुछ तो गड़बड़ है, एक काम करो, कौन सी ऐप से बुक करा था? टोला ऐप से। टोला से? एक मिनट रुको, मैंने बुक करी है, ये देखो मेरे में लड़की दिखा रहा है, कहीं ये लड़की तो नहीं थी? अरे हाँ बेटा ये तो वही लड़की है। एक काम करता हूँ मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ कैसे चुराती है पैसे मेरे। देख बेटा। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी सारे। पैसे तो मैडम आपको देने ही है, मेरे पैसे तो आज तक कोई लेके नहीं भागा है। अब एक काम करो जल्दी से फोन लेना है तो पुलिस स्टेशन आओ। भैया प्लीज ऐसा मत करो, भैया प्लीज, भैया